तो हम देखते हैं ये सब धातु है, क्या है? धातु है। और धातु जो होता है अम्ल से अभिक्रिया करके, आप धातु अम्ल से अभिक्रिया करके यहां रख दिए धातु और उसको रिएक्शन करा दिए अम्ल से, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है, लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। याद रखना है धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। और एक बात और विशेष ध्यान रख देना है कि अम्ल जो होता है, अम्ल यानी एसिड, इस एसिड में, इस अम्ल में विस्थापनशील हाइड्रोजन होता है। कौन हाइड्रोजन होता है? विस्थापनशील। विस्थापनशील हाइड्रोजन मतलब उसे हाइड्रोजन हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील अगर कोई धातु आ रहा है तो क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा कर, और हाइड्रोजन हटा के उसके जगह पर चल जाएगा, तो हाइड्रोजन हटा के उसके जगह पर चल जाएगा, ये बन गया लवण। क्या बन गया? लवण बन गया। तो सब जो धातु होता है हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता, सब धातु हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता है। कुछ ही धातु है जो हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, इसका मतलब कि हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, हाइड्रोजन से ज्यादा। अब कोई कब हटा पाएगा? जब हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होगा। तो ये जो तत्व है पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन और लेड, ये सभी जो है हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। और हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होने का मतलब है कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, अम्ल से हाइड्रोजन क्या कर देंगे? हटा देंगे, अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देंगे और लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे। और ये जो हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर, सिल्वर, कॉपर, पारा, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, ये अम्ल से हाइड्रोजन को नहीं हटा सकते। इसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील मतलब हाइड्रोजन को नहीं हटा रहे, हाइड्रोजन को नहीं हटा रहे मतलब कोई रिएक्शन ही। तो ये सब जो तत्व है हाइड्रोजन अम्ल से बिल्कुल रिएक्शन ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग जान गए धातु जो होता है अम्ल से रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? बनाएगा। जैसे मान लेते हैं के पोटेशियम है, हम इसको HCl से रिएक्शन करा रहे हैं। तो अब ध्यान देना है पोटेशियम जो है हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील, सबसे ऊपर है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है, बहुत ज्यादा क्रियाशील हाइड्रोजन यहाँ है ऊपर, इसका मतलब ज्यादा क्रियाशील है। अभी हाइड्रोजन क्या करेगा? चलो जाओ यहाँ, तुम्हारा कोई जगह, चलो यहाँ से हटो, फूटो यहाँ से, उसको फुटा देगा और ये बना लेगा के सी एल, और हाइड्रोजन क्या कर दिया? अलगे निकाल दिया। अब हाइड्रोजन देखो अलगे हो गए कि नहीं, अब हाइड्रोजन को अलगे। अब देखो दूसरे को रिएक्शन लिखते हैं, जैसे सोडियम लिखते हैं और फिर HCl से रिएक्शन करा दिए, तो ये सोडियम भी क्या है? ऊपर है हाइड्रोजन से, जितना भी है हाइड्रोजन से ऊपर, सब अम्ल से रिएक्शन कर लेगा। अब ये हाइड्रोजन क्या कर देगा? हटा देगा NaCl प्लस H2, खत्म हो गया। अब जो देखते हैं जैसे है जिंक है, जिंक और H2SO4, H2SO4, तो ZnB जिंक जो है हाइड्रोजन से ज्यादा क्रिया, ज्यादा क्रियाशील होने का मतलब हाइड्रोजन को हटाएगा और बनाएगा ZnSO4 और H2 गैस। हाइड्रोजन क्या कर दे रहा है? निकाल दे रहा है। हाइड्रोजन को क्यों निकाल दे रहा है? सिंपल सा ये बात है कि हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। अगर पूछ दिया जाए कि पोटेशियम में और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा क्रियाशील है, पूछा जाए आयरन में और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा क्रियाशील है, इधर वाला सब ज्यादा क्रियाशील है। इसीलिए कहा जाता है, ध्यान देना है कि एक एग्जांपल है, बढ़िया सा एग्जांपल है, और वो एग्जांपल क्या है, और मतलब जैसे समझ गए, गाना याद आ रहा है इस पे, इस रिएक्शन पे ध्यान से सुनना लो। ऐसे मान लो कि हम जानते हैं अम्ल, अम्ल में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? अब हाइड्रोजन है, इसका मतलब अम्ल है, यानी अम्ल की उत्पत्ति ही कहां से हुई? हाइड्रोजन के बिना अम्ल का कोई अस्तित्व है, यानी हाइड्रोजन है तो अम्ल है। तो ये देखो हाइड्रोजन जिसको जन्म दिया है, वो गाना है दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा। अब देखो ये कौन गाना गाता है, तुम लोग ध्यान से सुनो, तो इसमें हाइड्रोजन गाएगा कि पोटेशियम गाएगा कि क्लोरीन गाएगा? सिंपल सी बात है भाई, हाइड्रोजन गाएगा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, देखो बेचारे तन्हा रह गए। कहा कि भाई हम ही अम्ल को बनाए, देख लो हम ही अम्ल को बनाए और हम ही को क्या कर दिया, हम जिससे इतना वफा किए वही हमसे क्या कर दिया, बेवफा हो गया। देख लो बेवफा हो गया, एक क्लोरीन बेचारा इसके साथ चला गया। इसलिए कहा जाता है हाइड्रोजन पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील, हाइड्रोजन कम क्रियाशील, इसको हटा दिया।
इसलिए कुछ लोगों को कहा गया जो खूबसूरत कोई मतलब औरत होती है, चाहे लड़की होती है, नया नया शादी होता है, ध्यान से ना, कोई लड़की है नया नया क्या हुआ शादी, वहां समझ यहाँ ध्यान दो, और जो लड़की होती है अपने सहेली को मिलाती है अपने पति से, बड़े मतलब खुश होके कि मिली हमारे सहेली से, डैश 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 मेरी सहेली का नाम है। अब मान लो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मतलब मान लो कि लड़की का कोई नाम है, ये कुछ है क्लोरीन उसका पति है, हाइड्रोजन लड़की की जिसका नया नया बिका हुआ है शादी हुआ, क्लोरीन उसका पति है, अभी इतने सहेली से लिए मिलाए पोटेशियम को, कई जन मिलाते हैं, अब सहेली उसकी है उससे ज्यादा खूबसूरत, देख लो क्लोरीन का मरना, बोला कि भाई जा, अब खूबसूरत सहेली बोला कि मिला दी, अब पोटेशियम बोला बोले क्लोरीन बोला आगे हाइड्रोजन, तो तनी साइड हो जा, अब बॉन्ड बनाने हमको किसके साथ, पोटेशियम के साथ, इसलिए कहा गया कि खूबसूरत सहेली को अपने पति से कहीं नहीं मिलाना चाहिए, मतलब घाटा का सौदा है, मतलब ज्यादा क्रियाशील है वो, ज्यादा क्या है क्रियाशील है, आपको हटा देगा ये कर देगा उसके साथ क्या होगा बॉन्ड, बहुत सारे तलाक तो ऐसे ही हो जाते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि इस बात पे ध्यान देना है कि ज्यादा क्रियाशील अगर कोई है तो उसके आसपास जाना मना है, तो ये हमारे रिएक्शन है। अब देखो यहाँ, अब वैसे ही क्या करते हैं सहेली के लिए, अगर मतलब मान लो कि ये नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, अगर उपाय बता दे, तो एक औरत जो है अपने से कम खूबसूरत, अपने से कम चालू लड़की को क्या कर सकती है, क्या औरत को अपने पति से मिला सकती है, उसे कोई खतरा नहीं है। देखो अभी देखते हैं, यहाँ कॉपर है, क्या है कॉपर है, पारा है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है। अब देखो मान लो कि हम सिल्वर को रिएक्शन करा रहे हैं HCl से, किससे रिएक्शन करा रहे हैं, अब सिल्वर को हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं HCl का। अब देखो सिल्वर जो है ज्यादा खूबसूरत नहीं है, अब इसमें ये सोचेगा भाई इससे नहीं हमारे मेहरारू है, इससे नहीं हमारे क्या है मेहरारू है, क्या जरूरी है इसके लिए उसको छोड़े, हम काहे छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, यहाँ नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, तो ध्यान देना है इस बात को, चूंकि क्या है सिल्वर जो है हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, कम खूबसूरत है, कम क्रियाशील है, मतलब इसको हटा पाएगी नहीं हटा पाएगी, तो ये बात ध्यान देना है, ये जितने भी हैं सब ज्यादा क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है, तो यहाँ देखो सिल्वर जो है सिल्वर हाइड्रोजन से नीचे आ गया, मतलब कोई अभिक्रिया हाइड्रोजन नहीं हटा, यानी कोई अभिक्रिया नहीं, नो रिएक्शन।